ये मेरा जो साला है भाई, मैं इससे तंग आ गया हूँ। ओंकार कह रहे हैं मैं आदित्य से परेशान हूँ, मैं इन दोनों से परेशान हूँ। अभी ना मैं हो चुका हूँ तैयार, क्योंकि आज सीन है डिनर का, और ये प्रेमी जोड़ा तो यहाँ पे कैंडल लाइट डिनर करने के नजारे ले रहा है। हेलो ओएनजी फैमिली, कैसे हो, क्या हाल चाल है, होप यू आर डूइंग बेमिसाल। अभी ना बस तैयार होके मैं जाने लगा हूँ थोड़े काम से, पर काम पे जाने से पहले करेंगे हम पेट पूजा, जिसमें आज हम खा रहे हैं ओए होए होए आलू के परौंठे साथ में दही। ओए होए माता जी, थोड़ा सा अगर मक्खन हो जाता ना, एंड गल बात ब्रेकफास्ट हो जाना था। आज नहीं निकाला मक्खन, पता है मुझे नहीं है, होता तो ऑटोमेटिकली आपने प्लेट में डाल देता था। पेट पूजा अपनी हो चुकी हुई है, अब चल के करते हैं काम दूजा। दरअसल अभी मैं जा रहा हूँ पिक करने मुक्ति और आदित्य को, क्योंकि आदित्य ने अपनी गाड़ी जो है वो सर्विस के लिए दी हुई है। काफी लोग ना कमेंट करके पूछते हैं कि आप वेट लूज कर रहे हो तो डाइट क्या खा रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहूंगा डाइट ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं है, घर का खाना दैट्स इट। मैटर ये करता है कि आप किस टाइम पे खा रहे हो। एक टाइमिंग जो है ना वो बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले कर रही है। इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा हूँ, जिसमें मैं मेरे ख्याल 12 बजे से लेके 6 बजे के बीच में ही खाना खाता हूँ, तो ये मेरा रूटीन है। कितने ज्यादा अच्छे बच्चे हैं, सुबह सुबह ऑफिस चले जाते हैं। क्या करें यार, प्रोडक्ट्स की डिमांड इतनी ज्यादा हुई है ना, उनको पूरा करने के लिए सारी टीम जुड़ी हुई है। और मुक्ति को ये अब पसंद आ गया हुआ है, तो ये मुझे लगता है हफ्ते तक कपड़े नहीं बदलेगी। नहीं यार, ये गंदा हो गया, मेरे को लग रहा धोना पड़ेगा। ओंकार कोकोनट वाटर पियोगे? मेरे ख्याल दूध भी पी लेगा। अरे हाँ हाँ यार भैया, 3 कर दो, मीठा पानी करना। देख पैसे तू दियो, पिला तुम रहे हो, पैसे मैं दी, पिला तू रही है, पूछा तूने था, पिला पाएगी तू। अब किसी के घर पे, किसी के घर पे जाते हैं चाय पानी पियोगे, कभी कोई पैसे मांगता है? फिर पिलाऊ कर रहा है, पिलाऊ कर रहा है, पैसे तू दे दियो, पी मैं लूंगा तीनों। शकल देख के मुंह धो के आया कर पहले, तो नहा के आया हूं आज तुम्हें यार, ऐसे ना बोलो यार, तभी अलग सा लग रहा है, तू दाई दाया कर। ऐसा बिना नहाए वाली शक्ल मेरी ज्यादा फेमस हो चुकी है। तेरे में एक स्पेशल फीचर है, तू बिना नहाए धोए जैसा लगता है। घमंड नहीं है भैया, बड़ा छोटा सा लेके आयो भैया, बड़े बड़े लाओ, ये दत्ते को दे दे, उसकी उसकी शक्ल जितना छोटा है, फिर तू पी ले। भाई साहब फाइनली जाके तरक्की जो है वो हो चुकी हुई है। थाईलैंड में हम जितने भी कोकोनट वाटर पीते थे ना, उन्होंने वो बर्फ वाले उसमें रखे होते थे, अंदर से पानी इतना ठंडा होता था। सलूट है ये भैया, पक्का हमारा व्लॉग देखते होंगे, इन्होंने देखा था थाईलैंड में कैसे देते हैं। गुड भैया, ये ठंडे वाला काम करके बहुत बढ़िया किया, ये बर्फ में डाल रखने से। हाँ पता है, बहुत बढ़िया किया। नारियल पानी पी के ना सच में आ गया मजा। और अब हम पहुंच चुके हैं स्टूडियो में, यहाँ पे हमारी लाइट सेट हो चुकी है, कैमरा सेट हो चुका हुआ है, बीवी तो मैंने सेट बहुत देर पहले ही कर ली हुई थी, और एसी चला लिया हुआ है, इतना अच्छा लग रहा था। एसी फाइनली ऑन होने शुरू हो गए, गर्मी बहुत, अभी तो भाई गर्मियां आनी है असली। सही बात है, तब क्या होगा, पूरे रोस्ट हो जाएंगे हम। मैंगोज गर्मियों का ना इसका वही है, ये सोचती नहीं गर्मी लगेगी, पसीना आएगा, मैंगोज मैंगोज इसकी सारी दिक्कतें दबा देते हैं अपने नीचे। विच इज गुड थिंग। A few hours later. काम धंधे जो है ना वो हमने कर लिए हुए, मैं मुक्ति को भी घर ड्रॉप करने जा रहा हूँ, और ये मेरा जो साला है भाई, मैं इससे तंग आ गया हूँ, इसकी चॉइस गानों की इतनी बेकार है ना। क्या सुन रहा है, सुना एक बार, नया गाना आया, देखो गाने ध्यान से सुनो। बंद करो यार, क्या लगाया है, खिलड़ी पदोपति, पता नहीं कौन सा पदोपति पदोपति। ओंकार कह रहे हैं मैं आदित्य से परेशान हूँ, मैं इन दोनों से परेशान हूँ, मतलब ये दोनों इतना फोन यूज करते हैं, इतना फोन यूज करते हैं ना, मतलब गलत तुम बात क्या आदित्य को क्या बोल रहे हो, फोन नहीं ज्यादा यूज करना चाहिए, गलत बात है, ओंकार भी काफी यूज करता है। दोनों यूज करते हैं, बहुत यूज करती है, मतलब मैं सच्ची बताता हूँ, जब से रील शॉर्ट वगैरह आई है ना, ये इतनी बड़ी टाइम वेस्ट है, डिस्ट्रैक्शन है, सच्ची बोल रहा हूँ, मतलब ये दोनों भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बीइंग अ यूट्यूबर। कई बारी मैं फोन उठाता हूँ कुछ काम की वजह से, कोई बैंक वाला काम कर लो, कुछ ऐसे खोलता हूँ, अपने आप हाथ इंस्टाग्राम पे जाता है, अपने आप कोई रील खुल जाती है, और फिर ऐसे बोलना चाहूंगा रील्स और शॉर्ट्स पे टाइम वेस्ट मत करा करो, सिर्फ फूड ही देखा करो, ऐसे उसके बाद बंद कर दिया करो फोन, ऐसे कैसे वेस्ट नहीं किया करो, किया करो वेस्ट, हम जैसे लोगों का धंधा बंद हो जाएगा, सिर्फ फूड ही देखा करो फिर बंद कर दिया करो। बट ये चीज तो है, मतलब कई बार जैसे हमारा तो काम ही इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे, तो कई बार मुझे यूट्यूब खोलना होता है देखने के लिए कि हाँ यूट्यूब का क्या ग्राफ चल रहा है कैसे है, और मैं इंस्टाग्राम खोल के बैठ जाती हूँ, और मतलब आपका ये फिर लगा के बैठ गया।
ये देख ले अभी 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 बोल रहे हैं कि कम यूज किया करो, खुद इससे रहा नहीं जाता। मैं तो गाने सुन रहा हूं। इन दोनों के फोन छीन लेने मैंने, मैं सच्ची बता रहा हूं, मैं परेशान हूँ। और प्लीज कमेंट करके जरूर बताना जितनी बीवियां अपनी पतियों से परेशान है क्योंकि वो फोन यूज करते रहते हैं, और जितने पति अपनी पत्नियों से परेशान है कि वो फोन यूज करते रहते हैं, तो प्लीज कमेंट करके फटाफट बता दो। आए तो थे हम मुक्ति को ड्रॉप करने, पर मेरी प्यारी सी सासू माँ ने जो है नींबू पानी बनाया है, तो पी के जाते हैं, गर्मी बहुत हो रही है और नींबू पानी पीने का मन कर गया। मेरी गाड़ी सर्विस को गई हुई है, मेरे को जल्दी लेनी है, मेरे को लेट मत करना, जल्दी जल्दी नींबू पानी पी लेना और निकलते हैं। तू तो पिएगा ही नहीं ना? क्यों, मैं क्यों नहीं पीऊंगा? नहीं, हम जल्दी हो जाएगा ना, तू पिएगा और टाइम लगेगा। तुम्हारे साथ ही पीऊंगा ना मैं भी। हेलो हेलो सासू माँ, कैसे हो? हो गया नींबू पानी रेडी? चलो दे दो। ये आपके हाथों में किताबें पढ़ रहा था ना मैं। अच्छा चलो वो छोड़ो। अच्छा नहीं, ये बुक पढ़ रहा था। एक बार देख कर ये पढ़ना, ये क्या लिखा है? ये अधत आयुर्वेदा लिखा है। यही बोल रहा था मैंने, सही। वो जीव लब लब गई होगी थी। हाँ वे टेडी, कैसा है? बुड्ढे चिट्टे हो गए तेरे बाल। नींबू पानी पी के अभी मैं आदित्य को ना ड्रॉप करने आया था गाड़ी के सर्विस स्टेशन, और यहाँ पे ना एक शोरूम है जहाँ पे बहुत ही ज्यादा सही सही एंटीक गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। एक बारी पहले भी हमने ब्लॉग में दिखाई थी, चेकआउट करते हैं कौन सी गाड़ी खड़ी है। तो जी शोरूम कुछ इस प्रकार है, लिखा है यहाँ पे टाटा मोटर है, पर टाटा की गाड़ी कोई नहीं है यहाँ पे। आधी सारी एंटीक गाड़ियाँ, अंदर रोल्स रॉयस भी खड़ी है। भाई साहब अगर आप वो देखो ना येलो कलर की, वो गाड़ी कोई गजब ही है। एक दिक्कत है, यहाँ जो अंकल है जो यहाँ के ओनर है ना, वो वीडियो नहीं बनाने देते ना अंदर गाड़ियाँ देखने देते, देखने नहीं पता नहीं क्यों, पर देखने नहीं देते। और भाई साहब ऐसी गाड़ी मैंने आज तक देखी नहीं। अरे ये गाड़ी है कौन सी? ये पता है टोयोटा की है क्योंकि टोयोटा लिखा हुआ है। उत्तरी दी, सच में टोयोटा लिखा हुआ है? टोयोटा ने ऐसी गाड़ी निकाली कब? क्या आपको पता है इस गाड़ी के बारे में? चेकआउट करो गाड़ी जरा, यहाँ पे खड़ी है टोयोटा लैंड क्रूजर, पता नहीं कितनी पुरानी गाड़ी होगी ये। भाई एक नंबर यार, क्या पेंट जॉब है गाड़ी का, मुझे गजब। यहाँ पे ना सच में एक से एक गाड़ी है। वीडियो बनाने की परमिशन देंगे नहीं, पर मैं फिर भी आपको ना दिखा देता हूँ। ये कवर लगा हुआ है और वहाँ दूर तक गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, जो आज तक कभी गाड़ी नहीं देखी यहाँ पे देखने को मिलती है। हाँ हाँ हाँ, एक से एक एंटीक गाड़ियाँ यहाँ पे। किसी दिन ना यहाँ आके बात करेंगे यार की अभी एक बार करके गाड़ियाँ देखने दो, एक करके गाड़ी लेनी है, लेट हो रही है, बाद में आना। A few moments later. आदित्य को ड्रॉप करके आ चुका हूँ मैं घर, और अभी ना कपड़े वगैरह जो है वो बदलते हैं और फिर चलते हैं जिम, क्योंकि रात को शायद डिनर का प्लान बन रहा है। अभी जिम हुआ था, नहीं तो रात को फिर रह जाएगा अगर जाना हुआ तो। और यहाँ पे घर पे आके मैं देख रहा हूँ कि बना हुआ है पनीर और इसके अंदर है राजमा, और मम्मा ने ना मुझे बहुत ज्यादा बड़ी दुविधा में डाल दिया हुआ है क्योंकि भूख तो मुझे लग रही है, चीजें बनी भी बहुत स्वाद हुई है, पर मम्मा चावल नहीं बने हुए। तो मुझे एक चीज बताओ, मैं जिम खाना खाने के बाद जाऊँ या जिम हो और आके खाऊं? जो आप बोलोगे वैसे होएगा। आप मुझे चीज बताओ, मैं आपके मुंह से सुना रहता हूँ क्या करूँ। क्या है एक्सरसाइज, एकदम से खाना खाके तो कर ही नहीं सकते। तो अभी पहले जिम चल जाओ। पहले चलो। चलो ठीक है, थैंक यू। मैं सच में बहुत ज्यादा कंफ्यूज था क्योंकि मन तो मेरा कहता था कि खाना खा लूं, फिर मुझे ये भी पता है खाना खा लूंगा तो घंटा और लग जाएगा जिम, इमीडिएटली खाना खाने के बाद तो जाऊंगा भी। मम्मा ने बोल दिया पहले जिम चल जाओ, तो अभी जिम जाते हैं, आके खाते हैं टेस्टी जैसी राजमा चावल साथ में पनीर। A few moments later. तो जी 10,000 स्टेप्स जो है ना वो मैंने जिम में कर लिए हैं कंप्लीट। आज ना मैं जिम आया हूँ हफ्ते 10 दिन के बाद, हेडफोन अपने लेके आना भूल गया, जिस वजह से मेरा कार्डियो जो है ना वो ठीक ठाक सा हुआ है, ज्यादा अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि रनिंग करते वक्त हेडफोन पहने होते हैं ना वो फिर आती है फील। आज थोड़ा सा ओके ओके हुआ है, मेरा फ्लो जो है जिम का टूट चुका हुआ था, अच्छा हुआ आज जिम आ गया हूँ, अब से फ्लो जो है वो बना के रखना है। अभी चलते हैं घर, भूख बहुत लग रही है, खाना खाते हैं। और इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं कंटिन्यू करूंगा कल से, मोस्ट प्रोबेबली फिर से अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग बैक ऑन ट्रैक करके शुरू कर देनी है। अभी सबसे पहले तो मैं पीऊंगा प्रोटीन शेक स्टील के ग्लास में और फिर खाते हैं अपने राजमा चावल। अभी ना मैं हो चुका हूँ तैयार क्योंकि आज सीन है डिनर का, और जो डिनर है वो है आदित्य के दोस्त, नहीं नॉट एक्चुअली आदित्य का दोस्त, मेरी सासू माँ की फ्रेंड है, उनका बेटा है जिसकी अभी रिसेंटली शादी हुई थी। आदित्य वो शादी पे गया था, व्लॉग भी बनाया था, तो वो काफी टाइम से वो कह रहा था कि डिनर पे चलते हैं प्रॉपर कपल वगैरह, मतलब मैं मुक्ति आदित्य ऐश्वर्या वो और उसकी वाइफ, तो हम जाने लगे डिनर पे। और दादा जी जो है उनके लिए मैंने अभी टीवी पे लगाई है मूवी चमकीला। भाई साहब दिलजीत दोसांझ ने जो बॉलीवुड में चढ़ाई कर ली हुई है ना, एंड गल बात। डैडी वैसे एक चीज बताओ, चमकीला आपके टाइम का सिंगर था ना?
सुनते थे आप? हाँ सुनते थे कभी कभी। चलो I am not a fan, but अच्छा था। मतलब मेरे ख्याल से मूवी आपको अच्छी लगेगी, मैं बाद में देखूंगा, आप अभी देख लो। A few moments later. मॉल जो है ना वो मैं पहुंच चुका हूँ, और मुक्ति गौतम मेरे से पहले पहुंच चुकी है मॉल में। yes. बाकी दो कहाँ पे? मेरे को तुम दिखाई थी, हम लिफ्ट में ऊपर जा रहे थे, मैं रुक गई फिर। अच्छा, मेरे को तुम जो, मैं अपने पति के साथ आ रही हूँ। कितनी अच्छी है तू। और इवन दो हम डिनर करने आए हैं, पर मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हो चुका हूँ। आज देखो जिम गया था, इतनी ज्यादा मेहनत करी थी, खाना खा के आया हूँ मैं पूरा रज के। मतलब ऐसी टेक्निक अगर आप यूज करो ना, तो बाहर जब आप खाना खाने जाते हो तो आप कम खाते हो। मुक्ति आज तो हमारी बहुत ही ज्यादा मैचिंग हो रही है, व्हाइट मेरा भी व्हाइट। ये तो कुछ ज्यादा से मैच नहीं हो रहा, बट हाँ। और तू भी राजमा चावल खा के आई है? राजमा चावल मैच हो गया। और यार पता नहीं मॉल के साथ और वीकेंड के साथ हमारा क्या रिश्ता है। जब भी मॉल में आते हैं, वीकेंड ही होता है, आज फ्राइडे का दिन है, रश इतना ज्यादा होता है ना। आज तो रश कम है एज कम्पेयर टू संडे। रश ज्यादा ही होता है यार, वीकडे पे कभी आने का बनता ही नहीं है। और ये प्रेमी जोड़ा तो यहाँ पे कैंडल लाइट डिनर करने के नजारे ले रहा है। अगर नहीं आते तो मैं तो खुश होना था एक दूसरे के साथ ही। लगा के चले गए वो, मैंने नहीं बोला। देखो तूने बोला था बत्तियां बुझा दो, बत्तियां बुझाई नहीं। यहाँ पे बत्ती बुझी होती है ऑलरेडी। हेलो, क्या हाल है भाई? बहुत बढ़िया। A few moments later. अभी ना रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाया था, पर तसल्ली सी ना हुई नहीं थी, तो आ चुके छोटी सी दुकान पे, और यहाँ पे मोमोज के गेड़े दे दिए हुए। बचा कुछ चीज कौन का? एक बड़ा खाओगे? आधा खाएगा? नहीं मैं तो नहीं खा सकता, मेरे तो पेट फुल हो गए भाई, ज्यादा ही खा लिया बल्कि। इतना सब कुछ खाने के बाद भी संतुष्टि नहीं है, अब आ चुके आइसक्रीम खाने। नेचर्स और रश इतना ज्यादा है ना, इतना कुछ खाने के बाद नहीं होता, इतना कुछ खाने के बाद ही आइसक्रीम खाई जाती है। पेट में जगह भी होनी चाहिए ना, इतना सब कुछ खाने के बाद पेट में जगह नहीं होती। मीठे के लिए जगह अलग होती है। हाँ, क्योंकि मीठा पेट में जाता नहीं, वो तो दिल में जाता है। दिल में जाता है, ये मीठा लवर्स यही बहाना लगाते हैं। रात के ना बज चुके हैं 12, और अब जाके मैं पहुंचा हूँ घर। आज मैंने सोचा था कि जल्दी सोऊंगा, कल सुबह जिम जाऊंगा, पर हो नहीं पाया। डैडी, मूवी कैसी थी? अच्छी थी। अच्छी थी? हाँ, एक्टिंग अच्छी थी मुंडे की। अच्छा, मुंडे की एक्टिंग वधिया लगी है डैडी नु, दसांजा दा मुंडा। देखो अगर डैडी ने मूवी को बोल दिया है अच्छा, इट मीन्स अ लॉट, क्योंकि डैडी को इजीली मूवीज जो है ना वो अच्छी नहीं लगती। और डैडी से यूजली अगर हम पूछते हैं मूवी का रिव्यू, तो उनका एक पेट डायलॉग है, व्हाट नॉनसेंस, रबिश, ये बोलते हैं। पर इन्होंने अच्छा बोला तो मीन्स अ लॉट, मतलब अच्छी होगी, मुझे भी देखनी पड़ेगी। और अभी घर में आके ना एक चीज से मैं बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया, वो ये कि मम्मा और पापा दोनों ही घर पे नहीं है। तो मैंने कॉल किया, दरअसल आज मम्मा की एक फ्रेंड है वो बैंगलोर से आ रहे हैं, तो उन्हें एयरपोर्ट पे पिक करने गए हुए हैं, कल के दिन उनको मिलूंगा। अभी तो मैं लगा हूं सोने, और आज का व्लॉग इसी के साथ मैं करता हूं खत्म। आई होप यू लाइक द वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं कल 4 बजे नए व्लॉग के साथ। तो एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब भी किया ना कर दो, और साथ ही घंटा दबा देना ताकि जब भी हमारी वीडियो है आपको नोटिफिकेशन आ जाए।